वक्त हम छत्तीसगढ़ राज्य के डौंडी लोहारा गांव में हैं, जो कि बालोद जिले के अंतर्गत आने वाली एक तहसील है। और इसी तहसील में आज विश्व मूल निवासी आदिवासी दिवस का एक बड़ा सेलिब्रेशन हुआ और इसके चीफ गेस्ट के तौर पर अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान विजय मानकर शामिल हुए। मानकर जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आज का ये जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश दिया? देखो, भारत का आदिवासी समाज जागरूक हो गया है और गोंडवाना, ये तो भारत नहीं गोंडवाना था, तो पूरे गोंडवाना जो है वहाँ के आदिवासी, जिसको इंडिया कहे, आदिवासी जागरूक हो गए। उनको समझ गया कि उनके अधिकार ये ह्यूमन राइट्स में, और इसलिए 9 अगस्त जो सबसे महत्वपूर्ण है इंडिजिनियस पीपल्स का जो डे है, जो इंडिजिनियस राइट्स की बात है, ह्यूमन राइट्स की बात है, उसके लिए वो ऐसे सभा सम्मेलन पूरे देश में करते हैं। और आदिवासी समाज का मुझ पर बहुत प्यार है, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, उन्होंने मुझे बहुत समझाए, साथ दिया, तो वो मुझे बुलाते और वो जहाँ बुलाते मैं प्यार से चले जाता हूँ। तो आज छत्तीसगढ़ लेवल का बालोद जिलों में बहुत बड़ा ये आयोजन था और इसमें जो इंडिजिनियस राइट्स और ह्यूमन राइट्स के जो मेरे बिल है और जो पैसा रूल्स का जो मैंने पिटिशन किया है स्टेट गवर्नमेंट, उस पर बात करें। आपको ऐसा नहीं लगता है कहीं ना कहीं कि आदिवासियों को आज खुद के दिन के तौर पर उससे सवाल करने की जरूरत है, उन्हें किस तरह का स्टैंड लेने की जरूरत है, क्योंकि उनके अधिकार है जिनको वायलेट हो रहा है और उसके लिए संघर्ष तो कर रहे हैं लेकिन परिणाम नहीं दिखाई दे रहा? वो इसलिए क्योंकि जो एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो इंडिजिनियस राइट्स और ह्यूमन राइट्स को मेजर काम करे, जो एपीआई है, ऐसी पार्टी को जब तक वो सिलेक्ट नहीं करेंगे पूरे देश में, तो एमपी चुन कर नहीं जाएंगे ट्राइबल्स के। और जब तक ट्राइबल्स के एमपी चुन कर नहीं जाएंगे, या छत्तीसगढ़ में जैसे हमने कहा, जो स्लोगन भी दिया गया था कि हमने एपीआई सरकार बनाना है, आदिवासी राज लाना है, तो वो तो राज बोलने से नहीं आ जाएगा, उनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, अपना जो वोटिंग है वो वोटिंग ज़्यादातर जो है वो एपीआई को देना पड़ेगा, और केवल रिजर्व सीट से नहीं, जनरल सीट से भी लड़ना पड़ेगा और सबको जोड़ना पड़ेगा, जैसे ओबीसी कम्युनिटीज है, बाकी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी मानो, सभी को जोड़ते हुए चलना पड़ेगा। आपको लगता है बीजेपी समझ डेवलप होगी? बीजेपी कांग्रेस तो ये नहीं चाहेगी, पार्टी आए और भी बहुत सारी तमाम पार्टी ले पाएगी आदिवासी, बिल्कुल ले पाएगी, मुझे भरोसा है, मुझे भारत के लोगों पर भी भरोसा है और ट्राइबल कम्युनिटी पर विशेषता भरोसा है, क्यों मेरी बात को समझ गए और मुझे तो वोट देंगे, मैं जहाँ से खड़ा हो रहा हूँ, लेकिन पूरे एपीआई के कैंडिडेट्स को अच्छा खासा वोट देंगे और जिताकर संसद भेजेंगे। संसद अगर आप जाते हैं तो पहला काम क्या करेंगे? पहला काम तो मैं ये करूँगा, मैंने जो 16 बिल्स दिए उसको मैं अपने नाम में इंट्रोड्यूस करूँगा, जो अभी प्राइवेट मेंबर बिल का मैं कोशिश किसी और से कर रहा हूँ, और उसमें का पहला बिल जो मैं इंट्रोड्यूस करूँगा वो ह्यूमन राइट्स का और इंडिजिनियस राइट्स का बिल इंट्रोड्यूस करूँगा पहले सेशन। तो आप सुन रहे थे एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान विजय मानकर को, जिनका कहना है कि वे अगर आदिवासियों के वोटों के हो या फिर भारत के तमाम लोगों के सहयोग से या उनके प्यार से अगर वे जीत के 2024 में भारत की संसद में प्रवेश करते हैं, तो वे पहला काम करेंगे अपने जो 16 बिल है जो आदिवासियों के अधिकारों को लेकर और तमाम भारतीयों के अधिकार और उनके कल्याण को लेकर जो उन्होंने 16 बिल बनाया है, इन 16 बिलों को वे अपने नाम से पार्लियामेंट में प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद देश में एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत होगी। ये कहना है धीमान विजय मानकर साहब का।